सलमान खान की ईद पार्टी में यूं तो बॉलीवुड के तमाम बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आए जिनके नाम आप जानते हैं, लेकिन बॉलीवुड की इस पार्टी की अगर बात की जाए तो इस पार्टी में दो लोग सबसे ज़्यादा फेमस बने रहे और दोनों का ही नाम शाह से शुरू होता है। जी हाँ, शाह से शहनाज और शाह से शेरा। शहनाज अपनी लुक्स के कारण, अपनी क्यूटनेस के कारण, अपनी ओवरलोड हरकतों के कारण, और शेरा इसलिए फेमस हो गए क्योंकि शेरा जिस तरह से शहनाज गिल को देख रहे थे वो सभी को हैरान कर रहा था। हालांकि शेरा खुद भी हैरान थे कि ये भाईजान को क्या हो गया है। सलमान खान किसी के साथ इतना पर्सनल नहीं होते और ना ही किसी को इतना स्पेस देते हैं, फिर आखिर शहनाज गिल को इतना स्पेस क्यों दिया जा रहा है। शेरा की जो हैरानी थी वो उनके चेहरे पर नज़र आ रही थी, जो क्यूरियोसिटी थी वो जानना चाह रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों है। हालांकि पहली बार देखने पर ऐसा ही लगेगा कि शेरा बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहे हैं। दूसरा कंसर्न ये है कि सलमान खान की सिक्योरिटी में मुख्य भूमिका शेरा की है क्योंकि वो उनके मेन बॉडीगार्ड हैं। ऐसे में शहनाज जब इतना ज़्यादा करीब सलमान खान के आ गई तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है शेरा की। इसलिए शेरा की हैरानी को और उनकी चिंता को शहनाज गिल ने और ज़्यादा बढ़ा दिया। कई चीज़ें होती हैं जिन्हें आप चाहें भी तो छुपा नहीं सकते, जिनमें एक प्यार होता है और दूसरी हैरानी होती है, क्यूरियोसिटी होती है। प्यार तो नहीं छुपा, शहनाज गिल जिस तरह से सलमान खान के साथ रिएक्ट करती हुई नज़र आई साफ पता चल गया कि इन दोनों के अंदर एक अच्छी बाउंडिंग है, और दूसरी तरफ शेरा की हैरानी, उनकी चिंता साफ नज़र आई। तो चिंता और प्यार जिसे आप छुपा नहीं सकते हैं वो इस पार्टी में साफ नज़र आई। एक तरफ शहनाज गिल का प्यार, एक तरफ सलमान खान की रिस्पेक्ट, और दूसरी तरफ शेरा की चिंता कि सलमान खान इतना नज़दीक जा रहे हैं कहीं कोई गलती हो गई तो खामियाजा शेरा को भुगतना पड़ेगा। तो ये है वो वजह जिस वजह से शहनाज गिल को देखते हुए अजीब सा रिएक्ट करते हुए नज़र आए थे सलमान खान के पर्सनल बॉडीगार्ड शेरा। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसी तरह की अपडेट छोड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुँचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।